Hello friends, subscribe my channel Monalisha Borkakoti and press the notifications bell for latest updates ke liye. So please subscribe my channel. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्यों है सावन भगवान शिव का प्रिय महीना। कहा जाता है श्रावण भगवान शिव का अति प्रिय महीना होता है। इसके पीछे की मान्यता यह है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पर पार्वती रूप से जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रावण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्या से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रावण का ये महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने में कुमारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी की प्रार्थना करती है। यही मान्यता है कि श्रावण महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसीलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यतानुसार श्रावण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था, जिस कारण उन्हें नीलकंठ नाम मिला और इस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उस पर जल डाला था। इसी कारण शिव अभिषेक में जल का विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के सोमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। अतः सोमासा में भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु मनुष्य जाति कई प्रकार के धार्मिक कार्य दान उपवास करती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो देखिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएँ। फोले बोम की हार्दिक शुभकामना।